स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज किस तरीके से होते हैं? स्फेरिकल लेंसेज दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कॉनकेव लेंस। इसको याद रखने के लिए हम वैसे ही जैसे हमने मिरर के लिए याद रखा था वैसे ही हम इसको याद रख सकते हैं। जिस मिरर में इस तरीके से केव बनती है, ओके, अंदर की तरफ खड्डा जैसा होता है, वो बीच में से पतला और साइड्स में से मोटा होता है, उसको हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। जो बीच में से मोटा होता है लाइक दिस, उसको हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो ये बीच में से थिक होता है और कॉर्नर में से पतला होता है। सिमिलरली जैसे हम इडली खाते हैं ना, इडली का जो शेप होता है ना, वैसे ही आप समझ लो कॉन्वेक्स लेंस होता है। इडली कैसे बीच में से मोटी होती है और कॉर्नर में से पतली होती है, बिल्कुल वैसा ही कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब हम कॉन्वेक्स लेंस के बारे में कुछ बातें जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, इसका प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस इसका किधर होता है? क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसमें से जो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट पास होती है और ये बीच में से थिक होने की वजह से लाइट को बेंड कर देता है, ओके, लाइट को बेंड कर देता है और लाइट एक पॉइंट पे मिल जाती है, उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, ओके। और क्योंकि ये लाइट को ब्रिंग्स टू वन पॉइंट, लाइट्स को एक पैरेलल बीम को बेंड करके एक पॉइंट पे ले आता है, इसीलिए इस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, ओके। इसका एग्जांपल हम समझ सकते हैं, हमने एक्सपेरिमेंट भी आप लोगों ने देखा हुआ है, किया होगा। हम जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, राइट, वो कॉन्वेक्स लेंस का होता है। जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो छोटे अक्षर हमको बड़े नज़र आते हैं, वहाँ पे हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट तो कॉमन है, हम सब करते ही हैं, कि मैग्नीफाइंग ग्लास जो कि कॉन्वेक्स लेंस होता है उसको अगर हम एक प्रॉपर प्लेस पे रखें और जो पेपर है, पेपर को हम उसके फोकस पे अगर एडजस्ट करें तो सन की लाइट्स जो पैरेलल आती हैं वो एक पॉइंट में मिल जाएगी और पेपर पे, पेपर की एक ही पॉइंट पे उसकी इमेज बनेगी। इसको ऑब्जर्व करने के लिए हम सन की लाइट क्यों हेल्प लेते हैं? बिकॉज हम जानते हैं सन की लाइट के साथ साथ हीट भी आती है और उस हीट की वजह से जब वो सारी हीट एक पॉइंट पे आती है तो पेपर विल स्टार्ट बर्निंग, पेपर में आग लग जाएगी और वो जलने लगेगा, ओके। सो मैग्नीफाइंग ग्लास को हम यूज कर सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर सकते हैं पेपर को जलाने के लिए। वहां पे हम इसकी ये प्रॉपर्टी भी समझ सकते हैं कि वो पैरेलल रेज को एक पॉइंट पे मिला लेता है, इस वजह से हम कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। आगे बात करते हैं कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव लेंस जैसा कि हमने समझा कि केव जैसी बनती है, दोनों तरफ से एक खड्डा बनता है, राइट, बीच में से ये पतला होता है, साइड्स में से ये मोटा होता है। अब ये जो लेंस होता है इसका फोकस जिधर से लाइट आती है उसी तरफ होता है, ओके। कॉन्वेक्स लेंस में फोकस ऑपोजिट साइड में होता है, ओके। इस पार्ट को हम इसीलिए रियल पार्ट कहते हैं और इस पार्ट को वर्चुअल पार्ट कहते हैं, क्योंकि जब रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होके दूसरी साइड जाती है तो उसकी इमेज यहाँ ही बननी चाहिए, इसीलिए हम इसको रिफ्रैक्ट रियल पार्ट कहते हैं और इसको वर्चुअल पार्ट, मीन्स जो इमेज यहाँ बनेगी वो रियल होगी, जो इमेज यहाँ बनेगी वो वर्चुअल होगी। इसी तरीके से हम कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं तो उसमें भी इमेज जो रिफ्रैक्शन के बाद में रेज डाइवर्ज हो जा रही है, ओके, पैरेलल रेज को स्प्रेड आउट कर दे रहा है और इमेज पीछे की तरफ बनती है, तो हम उस इमेज को वर्चुअल पार्ट में देखते हैं, ओके, उस इमेज को हम वर्चुअल पार्ट में देखते हैं और वो फोकस पे आके मिल जाती है। क्योंकि ये लेंस रेज को स्प्रेड आउट कर देता है, इस वजह से हम इस लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये रेज को डाइवर्ज कर देता है। और इसका जो सेंटर होता है वो ऑप्टिकल सेंटर होता है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का जो डिस्टेंस होता है उसको हम फोकल लेंथ कह सकते हैं। सिमिलरली इधर भी अगर हम देखें तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस है उसको हम फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कहते हैं।
फोकल लेंथ हमें ये बता सकती है कि वो जो लेंस है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। वो अगर रेज को बहुत बेंड कर रहा है मतलब फोकल लेंथ छोटी है, मतलब वो बहुत ज़्यादा रेज को बेंड कर रहा है मतलब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। फोकल लेंथ अगर ज़्यादा लंबी है मतलब लेंस पतला है, ओके वो ज़्यादा बेंड नहीं कर रहा है मतलब वो कम पावरफुल है, ओके उसका कन्वर्जिंग पावर कम है। इसी तरीके से कॉनकेव लेंस का हम डाइवर्जिंग पावर भी देखते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अबाउट द रूल्स हाउ द इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस में तो कॉन्वेक्स लेंस में भी तीन रूल्स फॉलो होते हैं और कॉनकेव लेंस में भी तीन रूल्स फॉलो होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में और कॉनकेव लेंस में पहला रूल क्या है कि अगर कोई रे पैरेलल आती है तो वो फोकस से होकर जाएगी, रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होकर जाएगी। अगर हम कॉनकेव लेंस में देखें वहाँ भी ऐसा ही है, अगर कोई रे पैरेलल जा रही है तो वो डाइवर्ज हो जाने के बाद ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है। दूसरा रूल अगर हम देखें तो क्या है कि जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे आती है वो स्ट्रेट बिना कोई डेविएशन के स्ट्रेट निकल जाती है। सिमिलरली इन कॉनकेव लेंस आल्सो जो रे ऑप्टिकल सेंटर पे गिरती है वो सीधी निकल जाती है। तीसरा रूल हम देखें, तीसरा रूल क्या कहता है, जो रे फोकस से आती है वो पैरेलल निकल जाती है, राइट। अगर हम कॉनकेव लेंस में देखें उसमें भी ऐसे